आज की कहानी है डर और डर के आगे जीत की। हमारा हीरो स्टूवान को बर्फ से हमेशा ही डर था, हाथ में लेने से रोता था। वो कहते हैं ना, इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। इतने बर्फ के बीच ऐसा ही कुछ हुआ गुलमार्ग में। Channel Triple Carry. It's 10:15 now. And he's wondering what am I doing. So बहुत जल्दी निकलने का प्लान था गुलमार्ग के लिए, लेकिन फिर से हम लोग थोड़ा परमिशन कॉम्बिनेशन करने बैठ गए कि अगर गोंडोला राइड ले सके तो वी वर थिंकिंग कि श्रीनगर आज गुलमार्ग ना जाके श्रीनगर में एक और दिन स्टे करेंगे, तो गुलमार्ग 21st को जाएंगे, लेकिन 21st को कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं है, तो फाइनली वी आर लीविंग, राइट? या लीविंग फॉर गुलमर्ग इन 5 मिनट्स। ओके, तो जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। सिटी ट्रैफिक काफी है और 1 किलोमीटर के बाद वी लीव द सिटी एंड जॉइन द हाईवे। ऑन द हाईवे नाउ, गुलमर्ग इज अराउंड 46 किलोमीटर्स। थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि द वेदर फोरकास्ट इज सेइंग दैट इट कुड रेन टुडे, और ब्लैक आइस का मुझे पता नहीं गुलमर्ग का क्या सीन है, बट देखते हैं। कंटिन्यू फॉर 27 किलोमीटर्स। गुलमर्ग इज जस्ट 15 किलोमीटर्स अवे। काफी क्लाउडी है एंड अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ इधर से स्नो क्लैड माउंटेंस तो दिख जाते इफ देयर वर नो क्लाउड्स। अभी तनमार्ग से गुलमार्ग जा रहे हैं, विच इज अराउंड 12-13 किलोमीटर्स। इधर गमबूट उठा लिए, रेंट पे मिलता है 100 रुपये पर हेड, एंड अभी चल रहे टूवर्ड्स गोंडोला। सिर्फ गोंडोला देख के वापस आना है, बट फिर भी यहाँ जब से गुलमार्ग में घुसे हैं या घुसने वाले हैं तब से लोगों ने तनमार्ग से इरिटेट करके रख दिया है, और इतना कन्विंसिंगली बात करते हैं ना। मतलब हम जब गाड़ी लेके एक चेक पोस्ट पे आए, वो लोग पहले स्टार्ट किए कि नहीं, आपका गाड़ी तो नहीं जाने देगा, आपको इधर पार्किंग में रखा, आप अपने हमारे बंदे को लेके जाओ, फिर वहाँ जाके आपको दूसरा गाड़ी लेना होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, फिर सब कुछ हो गया। हमने बोला कि नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए, हमको जाके ही देखना है। फिर हम लोग उधर से निकल गए, कहीं भी किसी ने गाड़ी नहीं रोका, और थोड़ी देर बाद लोग लोकल्स आके, आप हमारा बंदा ले लो, आप ये ले लो, इसके ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो, और इतना फोर्स कर रहे हैं ना, बाय गॉड, मतलब और मैं कन्विंस हो भी गया, दिमाग खराब हो रहा है। ये जैकेट मैंने ले भी लिया, और फिर वो शूज़ और जैकेट्स के लिए तो है ही, तो हमने सिर्फ बूट्स लिए, हमको जैकेट नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मतलब ज़बरदस्ती एक जैकेट तो पकड़ा ही दिया। मतलब इरिटेट हो गए हैं हम दोनों लिटरली। स्नो दिखा दो। हाँ, तो स्नो दिख रहा है अभी से। हाँ, इरिटेशन के बाद कॉम्पेंसेशन। ये अभी फिलहाल वो थोड़ा डर्टी स्नो है, और आज वेदर काफी नाजुक है। People might be conniving, but nature is only giving.
सो पहुंच गए गुलमर्ग, ये अपना ब्यूटीफुल नए श्रृंगार में गाड़ी, एंड दिस इज व्हाट गुलमर्ग इज फेमस फॉर, नॉट फॉर द रेन्स बट फॉर द स्नो, इस साइड भी काफ़ी स्नो है। तो फिलहाल द सिचुएशन राइट नाउ इज स्तुवान सो रहा है एंड इट इज़ रेनिंग ऑल्सो, सो मे बी विल गेट अप, विल हैव हिज लंच एंड देन हम लोग बर्फ में जाएंगे। एक्साइटेड, लुक हाउ ही इज स्लीपिंग। मैंने बेल्ट खोल दिया था तो एकदम आराम से। स्तुवान को ऑलरेडी 3 layers पहनाए हुए हैं और एक ऊपर से जैकेट है वो पहनाऊंगी, और इसमें से एक लेयर थर्मल्स का है एंड उसके ऊपर वो कैरियर में रहेगा तो कैरियर का हीट रहेगा एंड देन मेरे बॉडी का भी हीट रहेगा। अभी टेम्परेचर चेक कर रहे थे तो इट्स -2 degrees नाउ, पेन विल एंड इन 4 minutes, तो वी आर वेटिंग। और यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि यहाँ पे कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम का है कि नहीं, तो सब ने बोला कि नहीं है, सो इट्स सेफ फॉर बेबीज, एटलीस्ट फॉर बेबीज टिल 2-3 years ये लेवल तक सेफ है, बट बियॉन्ड गोंडोला फेज 2 और मे बी गोंडोला फेज 2 से इट इज़ नॉट सेफ। सो इफ़ यू आर प्लानिंग विद अ टॉडलर और इन्फेंट, मेक श्योर कि यू एंड योर दिस थिंग बाय फेज 1। हेलो हेलो, द फॉग एंड मिस्ट हैज क्लियर्ड अप अ लिटिल एंड it has opened up to such beautiful landscapes. वहां कहीं पे चलेंगे हम। हेलो, तो हम लोग आ गए स्नो पे। यहाँ पे स्कीइंग भी होती है, यहाँ आपको ट्रेन टीचर्स भी मिल जाएंगे अगर आपको करना हो तो। हम तो नहीं कर सकते इस तूफान की वजह से। एंड दिस इज द गोल्फ कोर्स एंड दिस इज द वाइट पैंथर, पता नहीं पैंथर है कि चूहा है। चलो जाते हैं। आई कैन वॉक विद दीस बूट्स। मेरे को वॉशरूम जाना था तो एक मिलिट्री ने बताया कि इसके अंदर है, तो लेट मी सी। वो बोले वो जो पहाड़ी के ऊपर है वहाँ पे वॉशरूम जा सकते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सो वहाँ उतनी दूर तो मेरे को नहीं जाना है, सो आई एम गोइंग बैक। तो हम बर्फ में आ गए हैं, वी आर इन स्नो गाइस। कावाले लोग, कश्मीरी कावाले लोग। इस पूरे एरिया में कहीं भी वॉशरूम नहीं है, सो बी प्रिपेयर्ड। बहुत भीड़ है। He doesn't like guys. I snow all the way. So people approached us for skiing. 1200 with trainer, 700 without trainer. Unlimited time is what you said. 700 without trainer. हम लोग को तो घंटा नहीं आता skiing. Baby.
पाना भी जरूर स्नोमैन वन आफ्टर द अदर पीछे वो स्नो क्लैड माउंटेन्स काफ़ी देर से इट इज़ क्लाउडी दैट्स वाई वो ठीक से नहीं दिख रहा है इट लुक्स अमेजिंग तो मैंने अपना जैकेट उतार के इन लोग को नीचे बैठा दिया है स्टुवन का कपड़ा गीला हो रहा था एंड सडनली ही हैज़ फाउंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्नो में तो आई एम लेटिंग हिम प्ले अपना जैकेट खोल दिया बेचारा हस्बैंड्स और बेचारे पापा लोग ऐसे ही हाल है हम लोग का तो मैं सोच रहा हूँ इंस्ट्रक्टर लेके स्की करना है कि नहीं लेट्स सी एंड नाउ ही इज़ सो इंटरेस्टेड कि अभी वो स्नो बॉल बना के फेंक भी रहा है अनिता जस्ट गॉट हिट बाय अ स्नो बॉल बहुत देर से मारे जा रहा है बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ ठीक है और नहीं लैंडेड ऑन हर स्पेक्स राइट फ्लश ऑन हर स्पेक्स सो इट्स ऑलमोस्ट 3:15 एंड स्की करने का तो बहुत मन था ऑल द इंस्ट्रक्टर्स आर बुक्ड नाउ तो नहीं हुआ मैं हाफ एन आवर से एकदम बीच पे वेट कर रहा था कोई मिले मेरे को जब अप्रोच किए थे आई शुड हैव सेड यस तभी एंड रेट्स भी रीजनेबल थे 1200 एनीवे हिमाचल में करेंगे मैंने बहुत एंजॉय किया वो एक कॉन्टेक्स्ट सुवन हेट्स आइस मतलब घर में भी अगर उसको कभी चोट लग जाए तो उसको आइस लगाना हो तो मतलब एकदम चीख के पूरे चीख फाड़ करके वो रोता है हेट्स आइस वो टच नहीं करेगा लेकिन यहाँ के वो इतना खेला आइस के साथ चलो टाइम टू गो सुवन ग्लव्स आर वेट We had to take it off. Now, अभी काफ़ी ठंड है उसका हाथ भी पूरा रेड हो गया है सो विल टेक हिम बैक टू द कार एंड फिर एक रेस्टोरेंट भी जाएंगे इधर खा पी लेंगे इग्लू रेस्टोरेंट जाने का मन है पता नहीं वो ओपन है कि नहीं सुना था वो फेज़ वन पे है पर देखते हैं जाके देखते Some scuffle has broken out. So CRPF वालों का एक बैंड भी है एंड दे आर गोइंग टू प्ले सम टाइम कुछ शॉर्ट्स लिए इधर गाड़ी रोक के जा रहे गोंडोला
आर सम ऑफ द हट्स जो आप जेके टूरिज्म वेबसाइट से बुक कर सकते हो एंड दे आर इन द मिडल ऑफ स्नो सीनिक ब्यूटी वाइज बहुत ही अच्छा. तो अभी टाइम हो रहा है 3:15. वी जस्ट पार्क्ड आवर कार हियर. ये होटल में जाना है एंड जो स्पेशलिटी है वो जाके दिखाते हैं. इसी प्रॉपर्टी में ग्लास इग्लूज भी है. और लंच इज हियर. मैंने मेरा आज वेज डे तो कश्मीरी पुलाव एंड चिकन पास्ता फॉर अनंत. सो वी जस्ट फिनिश्ड अप आवर लंच. अभी बिल पे करके वी विल बी ऑन आवर वे टू ड्रंक पल्स. नाइस इंटीरियर. दीज आर द ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट्स. यू हैव टू प्री बुक एंड आई आस्क्ड व्हाई. क्योंकि खाली है तो बोला इसका हीटिंग टेक सम टाइम सो हाफ एन आवर. सो दे आस्क्ड अस इफ वी आर विलिंग टू वेट फॉर 30 मिनट्स. बट हम लोग का अभी फॉल्स भी जाना है एंड इट इज़ ऑलरेडी 4:15. तो ये भी नहीं हो पाया. इट इज़ 7:50 पर पर्सन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स टाइम टू बिड गुड बाई द गुलमर्ग. रूम रेंट है 15,000 पर नाइट. सो अभी चल रहे टूवर्ड्स ड्रंग वाटरफॉल. रोड्स आर नैरो बट मैनेजेबल. To be here during December, January to witness the frozen waterfall. Anjita gaadi pe hi hai because Tuvan is sleeping. Baaki nazara acha hai. So you could spend some time here. Drang waterfall aate waqt bola gaya ki ATV leke jana hai. Roads are narrow, roads are bad. Jaake wapas bhi aa rahe, koi problem nahi hai. Shop number 11, boot वापस करने आ गए and then we will be on our way to Srinagar. तो अभी श्रीनगर मार्केट से जा रहे हैं. होटल से बस कुछ ही दूर है. अभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं. फ्यू मोर मिनट्स टू गो बिफोर वी रीच द होटल. और इधर से शंकराचार्य मंदिर दिख रहा है. This is also a place of interest if you are visiting Kashmir. इधर से डाल लेक का व्यू मस्त है सोना. But unfortunately we couldn't visit. काफ़ी टाइट शेड्यूल है हम लोग का. तो अभी रूम में आके सुबह के सारे यूटेंसिल्स एंड बॉटल्स मैंने वॉश कर दिए. अभी मैं कार में जा रही हूँ. उसके डाइपर का जो बैग है वो उधर ही है. तो मैं डाइपर लेके आऊँगी, उसका मिनरल वाटर लेके आऊँगी एंड कुछ स्नैक्स है तो स्नैक्स लेके आऊंगी. गुलमार्ग में तो दिन अच्छा ही बिताए बट होटल पहुंचने के बाद ऑफिस का कॉल लेने में बिजी हो गए. अनिंदिता स्तुवान को हैंडल कर रही थी और हम लोग ब्लॉग एंड नहीं कर पाए. आज यही एंड करते हैं. कल जाएंगे हम लोग सोनमार्ग. और जाने से पहले सबसे यही अनुरोध है कि अगर कंटेंट पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.